हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से फर्स्ट ओपन मेरिट के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी की पहली ओपन मेरिट जारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पहली ओपन मेरिट दिखाएंगे, बताएंगे कितनी परसेंटेज पर लगी पहली मेरिट और किन किन का नेम आया है, बाकी जिसका नेम नहीं आया है उसका एडमिशन कैसे होगा ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ओपन मेरिट देखें, ओपन मेरिट 1 एडमिशन डेट फ्रॉम 9/8/2024 टू 12/8/2024, 9 अगस्त से 12 अगस्त तक इस मेरिट के एडमिशन होंगे। एडमिशन टाइम रहेगा सुबह 10 से 3 बजे के टाइम पर। बीए फर्स्ट ईयर की ये ओपन मेरिट है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कैटेगरी, ट्वेल्थ की परसेंटेज, वेटेज और मेरिट इंडेक्स। तो आप पता क्या चलेगा कितनी परसेंटेज पर लगी है पहली ओपन मेरिट। तो सबसे जो नीचे एससी एसटी के स्टूडेंट्स का नेम आया होगा वहां से पता चल सकता है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी का सबसे जो लास्ट स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुआ है 59% पर। तो ओबीसी कैटेगरी की फर्स्ट ओपन मेरिट गई है 59% पर इस कॉलेज की। कॉलेज है एनएएस कॉलेज, ठीक है। आगे कुछ और कॉलेजों की मेरिट भी दिखाने वाले, मतलब कुछ और कोर्सों की मेरिट भी दिखाने वाले हैं। एससी कैटेगरी की भी सबसे लो रही है 59% पर, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की 57%, यहाँ पर देखें 57% है इनकी। 12th की परसेंटेज, दो नंबर का बैटिज है, तो 57 पे लगी है जनरल कैटेगरी की पहली ओपन मेरिट बीए की। ये कॉलेज है एनएएस कॉलेज। अब आप लोग इसके बाद दूसरी मेरिट देख लें, ये मेरिट है बीएससी बायोलॉजी की, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी की मेरिट है एनएएस कॉलेज की। तो जो कट ऑफ लगी है लास्ट देख लें, लास्ट कितनी परसेंटेज पर नाम आ गया है। लास्ट आ गया है ओबीसी कैटेगरी की है ये 51.40% पर, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का। और एससी कैटेगरी के ये स्टूडेंट हैं, इनका 52.20% पर नाम आ गया है, ठीक है। एनएएस कॉलेज की कट ऑफ देख रहे हैं आप लोग, बीएससी बायोलॉजी की ओबीसी की लगी है 51.40, एससी की 52.20। और जनरल की बात करें, सबसे लास्ट स्टूडेंट कहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, तो जनरल का सबसे लास्ट स्टूडेंट है आपका यहाँ पर 55.60% पर, ठीक है। ये लगी है ये लगी है एनएएस कॉलेज की बीएससी बायोलॉजी की कट ऑफ। इसके अलावा बीकॉम की कट ऑफ देख लें, बीकॉम की कट ऑफ कितनी परसेंटेज पर लगी है, सबसे लास्ट में किस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 41.80 पर जनरल की, ठीक है। एससी की है 43.40 पर, ओबीसी की है 44% पर, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज जो लास्ट स्टूडेंट है इतनी है, इतनी से ज़्यादा है और आपने ऑफर लेटर जमा कर दिया था इस कॉलेज का, तो आपका नेम मेरिट में आ गया है, तुरंत अपना एडमिशन कराने। तो जितनी जितनी परसेंटेज लगी है, अगर इससे ऊपर परसेंटेज है तो आपका नेम आ चुका है। आप लोग सभी डॉक्यूमेंट लगाकर अपना एडमिशन कंफर्म करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल लें, ठीक है। जो जो आपने ऑफर लेटर निकाला था नीचे वाला हिस्सा वो लेकर जाएं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल लें। इसके साथ में आय, जाति, मूल निवास भी शायद चाहिए और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाएं और उनकी फोटो कॉपी लेके जाएं और अपना। तो ये है एनएएस कॉलेज कट ऑफ। बाकी किसी और कॉलेज कट ऑफ आने पर आपको उस कॉलेज कट ऑफ भी दिखा दी जाएगी। आप अपने कॉलेज का नाम कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपको आपके कॉलेज की वेबसाइट पर ये मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। आपके कॉलेज की जो वेबसाइट, वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पर मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें, कॉलेज में आपकी मेरिट लगा दी गई होगी। अगर आपका नाम मेरिट में आ गया है तो सभी डॉक्यूमेंट लगाकर 12 अगस्त से पहले 12 अगस्त की शाम तक अपना एडमिशन कंफर्म करा लेंगे। अगर नाम नहीं आया है तो दूसरी ओपन मेरिट का वेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी ओपन मेरिट भी अभी आनी बाकी है। फिलहाल जो पहली कट ऑफ है वो काफ़ी लो है आपका। अगर आपने ऑफर लेटर जमा कर दिया था तो उम्मीद है कि नाम आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है बाई चांस तो सेकंड कट ऑफ में आ जाएगा, सेकंड ओपन कट ऑफ में, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस भी कॉलेज की कट ऑफ आएगी आपको बता दिया जाएगा, जो भी जानकारी रहेगी आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आएगी अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।